सभी का स्वागत है। यूपी ब्लॉगर इनकी और मैं इनकी आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों, और सभी भाई बहनों को राम राम, जय माता दी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी सुनाने वाली हूँ, सुनाने वाली थी लेकिन मैं भूल गई थी, तो उसके लिए क्षमा करना दोस्तों। तो चलिए बताते हैं मेरी खुशी का राज क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, ये गूगल एक्सेंस है और जिसे आप गूगल पिन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पिन नंबर आ गया है, तो ये सब आप लोगों के बदौलत हुआ है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये पिन मैं दो बार अप्लाई करी हूँ तब जाकर आया है दोस्तों। एक बार मैंने अप्लाई किया था तो कैंसिल हो गया था, जिसमें थोड़ा सा खराबी हो गया था। तो त्यागी भैया जी ने ये मेरा काम किया है, तो त्यागी भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी उनकी हर मनोकामना पूरी करे। और उसके खुशी में मैंने प्रसाद चढ़ाया था अपनी माता रानी को। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग भी आइए लड्डू खा लीजिए। तो लड्डू आप लोग भी आइए खा लीजिए। और उसी खुशी में मैंने लड्डू चढ़ाया था माता रानी को। ऐसी रेसिपी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये कच्चा टमाटर है। आप लोगों ने कच्चा टमाटर का सब्जी नहीं खाया होगा, और कच्चा वैसे टमाटर का आप लोग बहुत बार इस्तेमाल करते होंगे सब्जियों में, लेकिन टमाटर की एक अलग रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो बहुत ही बढ़िया बनती है। और कच्चे टमाटर की रेसिपी है ये, तो कच्चे टमाटर की मैं बनाऊंगी कलौजी। तो किस तरीके से बनाऊंगी आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम चूल्हा जला लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से करो। नमस्ते मामा। तो दोस्तों अंदर भैया ने बोला था कि दीदी दीपान से मामा कहकर बुलवाना, तो बोल दो एक बार सत्येंद्र। नमस्ते सत्येंद्र मामा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम टमाटर को धुल लेते हैं अच्छे से, और ये प्याज। आलू को छील लेते हैं दोस्तों। और अगर टमाटर छोटा छोटा मिल जाए तो और अच्छी बात है। दोस्तों टमाटर को हमें ऐसे काट लेना है, ये देखिए इस तरीके से। इसके बीच में हम मसाला भरेंगे दोस्तों। इसका गूदा आप निकाल दीजिए, थोड़ा सा रहने दीजिएगा दोस्तों, सारा गूदा मत निकालिएगा। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आलू हम काट लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारा टमाटर काट लेते हैं दोस्तों। चाहे तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम हरा मिर्च ही डाल रहे हैं। तो जितना तीखा आपको चाहिए उतना हरी मिर्च लीजिए। अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी हम छील करके बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर लेंगे दोस्तों। पास खड़ा धनिया हो तो वो भी ले सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों खड़ा धनिया नहीं है, तो यही पिसा मसाला है, तो यही सब मसाले हम भून लेंगे इसमें थोड़ा सा। तो देखिए हम ले रहे हैं धनिया पाउडर 2 चम्मच, और इसमें लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लेंगे कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर,
और इसी में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा हम भून लेंगे ताकि ये मसाला थोड़ा सा सुनहरा हो जाए, इसका महक आने लगे, इसीलिए हम इसको भून रहे हैं दोस्तों। अब ये कढ़ाई रख देते हैं गरम होने के लिए। ये हम ये सारे मसाले पलट लेंगे। अनुसार नमक भी डाल दीजिए। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये मसाला हम टमाटर में भर देंगे इस तरीके से, और दबा दबा के भरिएगा। तो चलिए अब छौंक लगा रही, गर्म हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, थोड़ा सा हम मेथी दोस्तों, दोस्तों इसमें चाहे तो आप सोयाबीन भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को सोयाबीन बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये टमाटर नहीं खाएंगे तो आलू और सोयाबीन खा लेंगे। तो इस तरीके से आप सोयाबीन भी डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो सोयाबीन अब हम इसमें डाल देंगे दोस्तों ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए, और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ताकि इसका सोयाबीन का कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, देखने में अच्छा लगे, इसलिए हमने डाला है दोस्तों। अब इसी में हम डाल देते हैं आलू। इसके बाद दोस्तों हम इसी बीच बीच में टमाटर भी रख देते हैं। तो चलिए अब हम टमाटर भी डाल देते हैं इसमें। तो हम ढक देंगे और इसे धीमी धीमी आंच में ही पकने देंगे। तो दोस्तों अब हम इसको पलट देते हैं और धीमी धीमी आंच में ही पकाइएगा दोस्तों, नहीं तो आपका सब्जी जल भी सकता है। इस तरीके से हमने पलट दिया। तो दोस्तों सब्जी हमारा बिल्कुल से रेडी हो चुका है, कलौजी टमाटर की और आलू और सोयाबीन की। तो आप लोगों को ये रेसिपी हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और देखिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक सिस्टर है, उनका नाम है शिखा शर्मा, तो उन्होंने कहा था कि दीदी अपनी वीडियो में मेरा नाम लेना, तो सिस्टर मैंने आपका नाम ले लिया। और दिल से शुक्रिया सिस्टर, आप मेरी वीडियो देखती हो और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करती हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।